हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हंड्रेड। आपको बता दूं, शहर में या देश भर में एक ऐसी गाड़ी टोयोटा लॉन्च कर रहा है जो आपके लिए फायदेमंद है। दरअसल क्या है कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ आपको पेट्रोल वर्जन, दोनों वर्जन एक साथ पहली बार, आपको बता दूं देश में पहली बार आपको बता दूं लॉन्च हो रही है। और फरीदाबाद में इस वक्त हम बता दूं टोयोटा 36 शोरूम में है, यहां पर उनके ऑनर हैं, नागर साहब हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं गाड़ी को। दरअसल गाड़ी की काफी खूबियां हैं जो तमाम जितने भी लोग हैं आप देख रहे हैं हमारे साथ। आप बता दूं गाड़ी की कई सारी गाड़ी चलाने वाले जितने भी शौकीन हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है। दरअसल इसमें क्या क्या खूबियां हैं वो भी आपको खूबियां बताएंगे। अभी गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है ओके डन। तो इसलिए क्या इसके फ्यूचर क्या क्या है वो फ्यूचर भी आपको बताएंगे, लेकिन ये अच्छी तय है। प्लीज इधर से हम क्यों फ्यूचर क्या क्या है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कि भारत में पहली बार ऐसी कंपनी है जो टोयोटा कंपनी लेके आ रही है, हाइब्रिड गाड़ी है। इसमें आपको बता दो पेट्रोल प्लस में आपको इलेक्ट्रिक के थ्रू जो आपके कहते हैं आपका सेविंग है या फिर आपका कोई वर्जन आपको मतलब किलोमीटर के हिसाब से बहुत सारी सेविंग इसमें होगी। आपको बताएंगे, देखिए तमाम मैं शोरूम की बात कर रहे हैं, पीछे शोरूम दिखाते हैं तब तक शोरूम के तब तक आपको बता दूँ ये देखिए यहाँ टोयोटा के शोरूम है। तमाम जितने भी आप देख रहे हैं आज लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग के जगह इसको पूरा शोरूम को सजाया गया है। गाड़ियों के आपको बता दूँ टोयोटा की, वैसे भी आपको बता दूँ काफ़ी अच्छे वेरियंट होते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ इसने लॉन्च की है, लेकिन जो आज गाड़ी लॉन्च हो रही है हाइब्रिड गाड़ी है। इसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या फीचर आपके होंगे वो आपके फीचर भी आपको बताएंगे। एक बार चलिए आपको कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए गाड़ी 7 कलर में, आपको बता दूँ 7 कलर में गाड़ी लॉन्च हो रही है। तो जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी गाड़ी में चाहने वाले लोग हैं, काफ़ी आपको बता दूँ इसमें जो फीचर्स हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया एक बार हटो गया, भाई जी थोड़ा सा आगे जान दो, एक बजे आगे जान दो। चलिए कलर 7 कलर में चलिए जानने की कोशिश करते हैं फ्यूचर क्या है। सर फ्यूचर कौन बता सकता है एक बार? पहली बात तो सर नागर साहब आप बताइए, टोयोटा का नई गाड़ी लॉन्च हो रही है और फरीदाबाद में आप लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? एक तो इस सेगमेंट की ये फर्स्ट हाइब्रिडर हाइब्रिड कार है, अब तक कोई भी कंपनी इस सेगमेंट में हाइब्रिड गाड़ी नहीं ला पाई। टोयोटा इज द फर्स्ट वन जो भारत में इसको बनाया है, और फ्यूल के हिसाब से भी और गाड़ी के हिसाब से ही बेस्ट गाड़ी ये प्रूव्ड होगी। बहुत अच्छा, आप खुद ही देख रहे हैं लोगों का इसमें रुचि है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। कौन जानकारी देख पाएगा कि सर गाड़ी के आगे क्या क्या इसमें है जो भी इसमें है? अच्छा आप बताएंगे क्या ऐसी खूबियां हैं सर। एक सीधा सीधा सवाल, कस्टमर इस गाड़ी को खरीदे तो क्यों, ऐसी क्या खासियत है इस गाड़ी में? नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में आके टाइम निकाल के आप आए हमारे पास। ये गाड़ी जैसे सर ने भी बताया कि इस सेगमेंट में टोयोटा का फर्स्ट लॉन्च है हाइब्रिड के अंदर। हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है, सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी हम इसको बोलते हैं। बाहर से इसकी कोई चार्जिंग नहीं होनी है बैटरी की, इसकी कोई आपका टाइम खराब नहीं होता, कोई लिमिट नहीं है आपको चलाने की, आप किसी भी कितने भी किलोमीटर तक आप इसे चला सकते हैं। आपका इसमें 50% फ्यूल सेव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 50% रिड्यूस हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट का भी कार्बन रिड्यूस करने का है, क्रूड ऑयल कम करने का, तो उसका ये इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया है, ये सारा टोटल यहीं इंडिया में बन रहा है इसका इंजन, और जापान तक एक्सपोर्ट हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया में इंजन बन के जापान में एक्सपोर्ट हो रहा हो। अभी तक क्या होता था, जापान से इंपोर्ट करता था इंडिया, अब ये जापान में एक्सपोर्ट। और ये एसयूवी है, आप ये देख सकते हैं इसमें फुल्ली लोडेड फीचर के साथ है, हाइब्रिड के साथ साथ आप इसमें आपकी सनरूफ वगैरह है। आपको बता दूं, हाँ दिखा दीजिए सनरूफ, दिखाई गाड़ी खोलिए, रूफ वगैरह भी दिखाई, देखिए खुल गई शायद खुल गई। 17 इंच इसका अलॉय व्हील है, आइए जो है गाड़ी के अंदर आप बताइए क्या। अच्छा ये एलईडी पैनल पूरा दिया गया है इसमें? अच्छा ओके, हाँ 9 इंच का एलईडी पैनल है इसका। स्टेयरिंग के ऊपर आपके कंट्रोल है, एयर कंडीशनिंग इसका ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक के अंदर इसमें वेरिएंट में आपका पेट्रोल भी आएगा, हाइब्रिड में भी आएगा, ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, 5 स्पीड इसका मैनुअल गियरबॉक्स है, ठीक है जी। और ये आप उस साइड से आए तो कितना है इंजन, कितना हॉर्स पावर का कितना है इसका? 1500 सीसी इंजन का है, हाँ जी, 1.5 लीटर का इसका इंजन है, और बैटरी की भी इसके साथ सपोर्ट रहेगी। पर किलोमीटर कितना और कितने मतलब रेंज क्या है इसकी गाड़ी की? जो रेंज आप जो स्टैंडर्ड उसमें आई है इसकी, वो 26 किलोमीटर हाइब्रिड की, 26 किलोमीटर 1 लीटर में इसकी रेंज है, ठीक है।
एक किलोमीटर पेट्रोल पर 26 किलोमीटर चलेगी, जो बेस्ट इन क्लास है। आज तक इस माइलेज के साथ कोई गाड़ी नहीं आई है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी आ रही है 15 के आसपास आ रही है, वो भी अगर सीएनजी लगा लें तब जाके बाहर आते रहे, मतलब 18-19 पहुंच रहे हैं। सीएनजी तो खैर हम उसमें रिकमेंड नहीं करते सीएनजी का, तो ये गाड़ी आपके बेस्ट इन क्लास है, फ्यूल एवरेज में भी और स्पेस में भी, फीचर से भी। अगर आप देखेंगे इसका, जैसे आज की डेट में पैनारोमिक सनरूफ का जो ट्रेंड है, तो इसका पैनारोमिक सनरूफ खोलिए। ठीक है, ठीक है, तमाम जितने भी आप साथ हैं आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ओके। तो जितने भी आप साथी आप देख रहे हैं कार के, जितने भी शौकीन हैं, क्या यूज है बैटरी का, क्या यूज है इसमें? बैटरी इसमें दो बैटरी, जो एक नॉर्मल कार की स्टार्ट करने के लिए बैटरी आती है, इसके हाइब्रिड के लिए मोटर के लिए अलग से बैटरी आती है, जो इसके पीछे बिना स्पेस को ऑक्यूपाई किया, उसकी 8 साल और 1,60,000 की किलोमीटर की वारंटी है। 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की उसकी वारंटी है, उसके बाद भी आप 2 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं। उसके एक नॉमिनल चार्जेज है कि आप 10 साल की इसकी वारंटी ले सकते हैं, 10 साल और 1,60,000 किलोमीटर की, इतना ही गाड़ी की एक आप लाइफ है। उसके बाद नॉमिनल चार्जेज पे आपकी ये बैटरी चेंज भी हो जाएगी, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, कब तक बैटरी पर चलेगी और उसके बाद कब तक पेट्रोल? इसमें जो अलग अलग जो हमारे पैटर्न होते हैं इसमें बैटरी और उसके ऊपर इंजन के ऊपर, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आपकी ये बैटरी और मोटर पे चलेगी, बैटरी से पावर लेके मोटर पे चलेगी। जब हम एक क्रूजिंग करते हैं तो बैटरी और इंजन दोनों इसको करेंगे, और इंजन साथ साथ बैटरी को चार्ज भी करेगा। बैटरी अगर खराब हो जाती है तो क्या ऑटोमेटिक पेट्रोल पर चालू हो जाएगी, या फिर इसके लिए परेशानी ना के बीच में धक्के लगाने पड़ेंगे? कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया ना, इसकी कोई रेंज नहीं है कि इस, जैसे आप इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार की आपकी रेंज है कि 200 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, इसमें ऐसा कोई रेंज नहीं है, क्योंकि इसके साथ पेट्रोल इंजन जुड़ा हुआ है, आप कहीं भी किसी भी दूर तक जा सकते हैं। वो पेट्रोल इंजन साथ साथ बैटरी को भी चार्ज करता है, जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं जो हीट एनर्जी उसमें मिलती है उस टाइम पे, नॉर्मल गाड़ी में वो वेस्ट हो जाती है, लेकिन हाइब्रिड कार में उसको वेस्ट ना होके उसे वापस बैटरी को चार्ज करने में लगा दिया जाता है। गाड़ी कई बार होता है गाड़ी हाई स्पीड में चल रही है तो ऐसा फील आता है जैसे गाड़ी हिल रही है, पता चलता है कि ऐसा हो, दिक्कत आती है। तो टायर जो इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलॉय व्हील टायर की कहानी। अलॉय व्हील इसके 17 इंच का अलॉय व्हील है, जो आपने इस सेगमेंट में बेस्ट है, इसका व्हील बेस और इसका ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट दिया गया है, कोई आपको इसमें वाइब्रेशन की इतना, इसका साइलेंट केबिन होगा, जैसे ही आप रेड लाइट पे आप खड़ी करेंगे इंजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, आपका बाकी सारे फंक्शन काम करते रहेंगे। सिक्योरिटी फंक्शन के हिसाब से क्या है कि चोर कई बार होते हैं कि चोरों के पास चाबी बहुत होती है, लेकिन चोर के मतलब के हिसाब से क्या है? चाबी इमोलाइजर के साथ है, ये कोडिंग के साथ है, ये अपनी ही चाबी से स्टार्ट हो सकती है, दूसरी किसी भी चाबी से अगर आप मार्केट से बना भी लेंगे तो उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इमोलाइजर है। इंजन चोरी के हिसाब से देखा तो सेफ है, मतलब बहुत सेफ गाड़ी बनाई है चोरी के हिसाब से भी, और वैसे भी चलाने में इसमें 6 एयरबैग है। टोयोटा जो है उसमें सेफ्टी में सबसे आगे है, पाइनियर माना जाता है टोयोटा, इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग के साथ है कि किसी का भी मतलब जो अगर कुछ इंपैक्ट होता भी है तो किसी भी ऑक्यूपेंट को कोई चोट ना लगे। छह कैसे? दो तो आगे हो गए, दो आगे हैं, 4 साइड में, दो साइड। ओके, हाँ जी, 4 हैं, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है ऑल द अक्रॉस द वेरियंट इस। हाँ जी, कितनी रेंज की, कितनी वेरियंट है, कितनी रेंज में है इसमें? जो सिर्फ पेट्रोल में आएगा उसमें 4 वेरियंट है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। जो आपके हाइब्रिड में आएंगे उसके 3 वेरियंट है। क्या क्या रेंज है पैसे? अभी इसका प्राइस अभी इन्वेल नहीं हुआ है टोयोटा की तरफ से, प्राइस अभी इसका आएगा, लेकिन बहुत ही इस सेगमेंट के साथ जो गाड़ियां हैं उसके बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, तो आपको बता क्या शुभ सर? मेरा नाम रविंदर वर्मा है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। ओके, रविंदर जी आप समझा रहे थे कि किस तरीके से आपको तो गाड़ी की खूबियां समझा रहे थे कि जिस तरीके से है, अच्छा इसमें आपको तो एयरबैग है और आपको 15 cc का इसमें इंजन है, और सबसे पहले आते हैं कि आपको जिस तरीके हाई टेक्नोलॉजी जिस तरीके यूज की गई है उस पूरी गाड़ी के अंदर, एक बार कोशिश करेंगे दिखाने की। एक बार इधर से आओ, गाड़ी का एक अंदर का वो दिखा देते हैं, गाड़ी के किस तरीके से आप आइए। ये पावर का है, मतलब सेल्फ स्टार्ट, यहाँ से पावर का आपने जैसे आप आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं कि पावर बटन है, ऑन करने का है पूरा आपका ये व्यूज का। एक बार ओके, लेफ्ट राइट अगर गेट खुलते हैं तो लेफ्ट राइट के गेट क्या मतलब, ये मान के टेक्नोलॉजी पूरी है कि अगर आप गेट खुल रहे हैं पीछे कुछ आ रहा है, कैमरे के साथ है, और जिस तरीके से ऑटोमेटिक है ये आप अंदाजा लगाइए, ऑटोमेटिक गियर है इसमें, ऑटोमेटिक गियर है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक गियर यूज कर सकते हैं।
और ऊपर सनरूफ की बात करें तो सनरूफ बच्चों बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं तो सनरूफ के साथ, लेकिन रेंज भी बहुत कम है। मान के चलिए रेंज भी आपके इतनी हाई नहीं है कि रेंज आप सोचते हैं कि जो मर्सिडीज की या ऑडी वोडी की जो रेंज होती है कई लोग डरते हैं कि उस हिसाब से, तो लेके चलते हैं। क्या रेंज वेंज की एक बार रेंज का बताइए कि रेंज कितनी है, मतलब गाड़ियों के दोनों प्राइसेस रिवील नहीं हुए हैं तो, पर इसकी रेंज ऑलमोस्ट 15-20 के अराउंड रहेगी सारी गाड़ियों जो भी इसके वर्जन जितने भी हैं। मैं मतलब प्राइसेस रिवील नहीं हुए हैं तो मैं एक एस्टीमेट बता रहा हूं। ओके, एक बार गाड़ी के पीछे का भी हिस्सा वो दिखाते हैं भाई, एक बार हटोगे गाड़ी के पीछे का भी देख लीजिए कितना लेग स्पेस हम दिखाते हैं इस गाड़ी का। अगर हम अंदाजा लगाएं गाड़ी के लेग स्पेस की बात करें, एक बार गाड़ी के पीछे से अगर आप बैठते हैं तो पीछे का लेग स्पेस भी काफी अच्छा है इसका, अगर क्योंकि अगर पीछे बैठते हैं एसी का भी आप देखिए, एसी भी आप इधर से देखिए पीछे का, अगर आप बैठते हैं तो गर्मी में के दौरान भी मान के चलिए एसी वेसी का अगर आपको करना है तो एसी का भी सिस्टम इसमें पीछे की ओर दिया गया है। लेग स्पेस भी काफी है, बेल्ट वेल्ट के साथ अगर आप देख रहे हैं बेल्ट की पूरी है, एयरबैग पूरी तरीके से आप बता रहे हैं कि एयरबैग पूरा इसमें लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम के साथ है टोटली। आप जितने भी लोगों ने काफी मतलब बुकिंग काफी मतलब तेजी से हो रही है इसकी। दूसरा आपको डिग्गी का स्पेस दिखाते हैं आपको, डिग्गी कितनी है, एक बार भैया एक बार डिग्गी, एक बार डिग्गी का स्पेस आप अंदाजा लगाइए, दो स्पेस कैसे भैया एक बार समझाओगे ये दो किस तरीके से यूज किया, मतलब ये तो अपना यूज है और ये इसका क्या है, तो मतलब सामान के हिसाब से अगर एक चीज बात करें, बस एक चीज हमें लग रहा है कि सामान के हिसाब से जो मारुति की गाड़ियां होती है पीछे का जो डिग्गी का स्पेस है वो थोड़ा कम है इसमें, एक चीज हमें दिख रही है, वरना गाड़ी का जो दिखा जाए ओवरऑल गाड़ी की अगर बात करें रेटिंग के हिसाब से तो हमारे सबसे 5 रेटिंग है, लेकिन ये है कि गाड़ी का जो पीछे की डिग्गी का है डिग्गी थोड़ी है कि डिग्गी थोड़ी छोटी है, क्योंकि रीजन ये है कि इसमें बैटरी का सिस्टम यूज किया गया तो इसमें बैटरी यहाँ रखी गई है। स्टेपनी की अगर बात करें स्टेपनी नीचे है, स्टेपनी की बात करें तो स्टेपनी आपके नीचे है, मतलब ये ओवरऑल अगर बात करें टोटल जितना भी सिस्टम अगर हम देखें तो पीछे का सिस्टम और ये कैमरा पीछे के ऑलरेडी सब कुछ कैमरा पीछे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि कैमरे के सिस्टम भी अगर देखें तो कैमरा पीछे लगा हुआ है, तो जितना भी हमारे साथ तमाम हमारे साथ देख रहे हैं गाड़ी आपकी बता दूं अर्बन क्रूजर हाइब्रिड है, टोयोटा की है, तो टोयोटा की जितने भी वैसे भी गाड़ी जो है टोयोटा की गाड़ियां होती हैं वैसे भी उनका इंजन आपका तो A1 क्लास का माना जाता है कि जितने भी आप साथी देख रहे होते हैं, क्योंकि टोयोटा की गाड़ियों में वैसे भी बहुत कमियां कम देखने को मिलती हैं, शिकायतें कम मिलती हैं। तो इस वक्त हम बता दूँ फैदाबाद के हम टोयोटा 36 में खड़े हैं, यहाँ पर उनके ऑनर भी खड़े हैं और गाड़ी लॉन्च हो रही है, ये गाड़ी आप देख लीजिए। इस गाड़ी के कलर के हिसाब से अगर बात करें तो कम से कम इसमें 7 कलरों में ये गाड़ी लॉन्च हुई है, रेंज भी जो है 15 से 20 लाख के बीच में है। तो आप भी अगर गाड़ियों के शौकीन हैं तो आप आइए गाड़ी को देखिए, टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए, फिर आप भी बताइएगा कि गाड़ी की क्वालिटी कैसी है, गाड़ी चलने में कैसी है और गाड़ी की जो एवरेज है वो कितनी निकल के आ रही है, क्योंकि यही अक्सर लोग देखते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि पेट्रोल सेविंग गाड़ी पहली बार लॉन्च हुई है, क्योंकि बैटरी और पेट्रोल के साथ ये गाड़ी ऑटोमेटिक पहली बार लॉन्च की गई है और इंडिया की बनी हुई मैन्युफैक्चर है, सबसे बड़ी खूबी इस बात की है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100 साथी शालिनी के साथ, मैं विनीश कुमार।